हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये देख सकते हैं रेडीमेड लहंगे में चेन लगाना बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप चेन लगाना अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, किसी भी चेन को लगाने से पहले किसी भी रेडीमेड लहंगे में हमें ये जो देख रहे हैं बेल्ट पट्टी, इसको खोलना पड़ता है। तो पहले मैं इसको खोल देती हूँ ताकि अच्छे से चेन लग पाए। तो देखिए, बिल्कुल इस प्रकार आपको ऐसे खोल देना है दोनों साइड से। सिर्फ यहाँ पे धागे को काटते हुए आपको खोलना है, ध्यान रहे कपड़ा ना कटे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार आपको दोनों साइड में खोल देना है लहंगे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से लहंगे को ऐसे खोल दिया है। अब हम इसमें चैन लगा लेंगे। तो चैन लगाने से पहले देखिए, मैं लहंगे को इस प्रकार उल्टा करके फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार उल्टा करके इसे फोल्ड कर दिया है। अब इस साइड से बिल्कुल यहाँ पे देखिए, बेल्ट वाले साइड से आपको ऐसे बराबर करके नापना है कि आपको कितना, मतलब कितने दूरी तक चैन लगाना है। तो ये आप 6 से 7 इंच तक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 इंच तक चैन लगाऊंगी। देख सकते हैं आप, थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच लिया है चैन लगाने के लिए और उसके नीचे पूरे में सिलाई लगा लूँगी। तो बिल्कुल इस प्रकार देखिए, यहाँ से बराबर पकड़ना है और 1/2 इंच या फिर 1/4 इंच पकड़ते हुए आपको पूरा यहाँ पे नीचे तक सिल देना है। तो देख सकते हैं जहाँ तक ये मैंने 7 इंच ऊपर तक जो चैन लगाया है उसके नीचे मैं सिलाई करूँगी। तो बिल्कुल इस प्रकार पहले यहाँ पे मैं पक्का कर लेती हूँ और उसके बाद यहाँ पे पूरा नीचे तक मैं सिलाई कर लूँगी। तो ध्यान रहे अगर स्टोन हो यहाँ पे, रेडीमेड लहंगे में अक्सर यहाँ पे स्टोन होता है, तो पहले आप निकाल दीजिएगा सिलाई के जो रास्ते, जो स्टोन हो उसको आपको पहले निकाल देना है। तो इस प्रकार निकाल देंगे तो सूई टूटने का चांस नहीं रहेगा। तो बिल्कुल पहले आप निकाल दीजिएगा और उसके बाद ये सिलाई पूरा नीचे तक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पूरे में सिलाई कर दी है। सिर्फ यहाँ नीचे थोड़ा सा ये मशीन से नहीं चल पा रहा था क्योंकि काफ़ी हैवी लहंगा है, तो ये यहाँ पे बहुत मोटा है जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा खुला रह गया है। तो इसको मैं बाद में देखिए सुई से बांध लूँगी और पूरे में मैंने सिलाई लगा लिया है, सिर्फ यहीं बाकी है। तो ये मैं बाद में सुई से इसको बांध लूँगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें चैन लगाना है, तो यहाँ देखिए जो 7 इंच मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है चैन लगाने के लिए, इसके ऊपर बिल्कुल उतना ही कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ सीधे साइड में बिल्कुल इस प्रकार हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल उतना ही कपड़ा पकड़ते हुए इस प्रकार दोनों साइड में आपको निशान लगा लेना है, ताकि ध्यान रहे चैन लगाते समय इसी निशान पर चैन लगेगा। अब देखिए ये चैन लेंगे, तो ये जो मैंने चैन लिया है ये इनविजिबल चैन है। बिल्कुल इसी प्रकार आप कोई भी चैन लगा सकते हैं। देखिए ये जो इनविजिबल चैन लगाते हैं तो क्या होता है, बाहर से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो देखिए चैन को पहले आपको बिल्कुल जो सीधा साइड है ऐसे नीचे की तरफ करके रखना है, बिल्कुल इस प्रकार। और जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ये देख सकते हैं, बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ऐसे हम चैन को रखेंगे। और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए यहाँ पर देखिए, पहले हम किनारे किनारे चैन को इसमें अटैच कर लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पहले हम सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो निशान मैंने लगाया है बिल्कुल उसी निशान के ऊपर ऐसे रखना है चैन को, और बिल्कुल इस प्रकार आपको नीचे तक सिलाई कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने 7 इंच नीचे ये जो निशान लगाया है बिल्कुल उससे 1/2 या फिर 1/4 इंच नीचे तक आपको ऐसे सिल देना है और यहाँ पर ऐसे पक्का कर देना है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल एक साइड में ये मैंने चैन को लगा लिया है, और बिल्कुल इसी प्रकार ये मैं दूसरी साइड में भी चैन लगा लूँगी। तो फिर हम ऐसे लगे देखिए लहंगे को ऐसे पलट लेंगे और यहाँ नीचे से अब की बार हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से यहाँ से आपको पहले पक्का कर लेना है। देखिए पक्का करने के बाद बिल्कुल यहाँ पे जो निशान आपने लगाया है उसी के ऊपर ऐसे चैन को रखना है, जो चैन का जो सेंटर होता है बिल्कुल उसी निशान के ऊपर आना चाहिए। और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पकड़ते हुए ऊपर तक हम चैन लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से सिलाई लगा करके चैन को अटैच कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे सिंगल फुट लेंगे क्योंकि डबल फुट की मदद से पूरा यहाँ नज़दीक तक सिलाई नहीं लग पाता है, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगल फुट की मदद से पूरा नज़दीक से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये डबल फुट है तो मैं इसको पहले चेंज कर लेती हूँ। तो
तो देख सकते हैं मैंने फोल्ड को चेंज कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ पे सिंगल फोल्ड की मदद से फिर से यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो फिर से ऐसे हम यहाँ से पकड़ेंगे और अब की बार बिल्कुल यहाँ पे चैन के किनारे किनारे सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ऐसे आपको चैन को पलटते हुए एकदम इसमें चिपकाते हुए सिलाई करना है। थोड़ा सा भी गैप नहीं बचना चाहिए। ये सिंगल फोल्ड की मदद से अच्छे से लग जाता है। बिल्कुल इस प्रकार आपको पूरे में सिलाई कर लेना है। तो एक साइड में मैंने यहाँ पे देखिए एकदम चैन के किनारे किनारे सिलाई कर लिया है। अब की बार बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। तो फिर से यहाँ से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ना है आपको और बिल्कुल इस साइड में भी हम चैन के बिल्कुल किनारे किनारे ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे चैन को आपको ऊपर कर देना है ताकि अच्छे से नीचे तक सिलाई अच्छे से लग पाए। अब फिर से मैं यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा ये बाकी रह गया है तो इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड से ऐसे चैन लगा लिया है सिलाई। अब देखिए अगर चैन आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाता है यानी कि जो सिलाई आपने किया है उससे आधा या फिर 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आप चैन को कट कर सकते हैं अगर आपका चैन लंबा हो तो। मेरा ज़्यादा लंबा नहीं था तो मैंने ना पूरा रख लिया है। अब देखिए इस प्रकार आप इस साइड से ऐसे बंद करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा चैन लग गया है और बाहर से आपको बिल्कुल भी गैप नहीं दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बेल्ट पट्टी को खोल रखा है इसको स्टिच कर लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पे देखिए और इस चैन का जो मार्जिन है इस प्रकार अंदर के साइड में फोल्ड कर देंगे और उसके बाद इस प्रकार यहाँ से पकड़ लेना है। देख सकते हैं और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे ऐसे आपको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे सिलाई कर लिया है मैंने। अब देखिए इसको इस प्रकार बेल्ट वाली पट्टी से ऐसे ढकते हुए सिलाई कर देंगे यानी कि बिल्कुल इस प्रकार ऐसे मार्जिन को अंदर करना है और इस प्रकार ऐसे ढकते हुए आपको पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड में मैंने ये बेल्ट पट्टी को तैयार कर लिया है। बिल्कुल उसी प्रकार ये दोनों साइड से आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों साइड से देख सकते हैं बेल्ट पट्टी जो मैंने खोला था उसको सिलाई करके तैयार कर लिया है। अब देखिए मैं आपको फिर से यहाँ पे बंद करके दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ये हमारा चैन लग गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये लगा है। देख सकते हैं अब हम यहाँ पे डोरी लगा लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डोरी लगा करके लहंगे को तैयार कर लिया है और इस प्रकार हमारा चैन भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग गया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।